हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा चैप्टर है नोटेबल्स इन इंडिया, यानी कि भारत में सूचनाएं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे भारत में सूचनाएं। तो आगे हम इस चैप्टर में हम पहली एक्सरसाइज देखते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी, देयर आर मैनी बिगेस्ट एंड हाइएस्ट थिंग्स इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में बहुत ही बिगेस्ट यानी कि विशाल, बड़ी एंड हाइएस्ट और ऊँची चीज़ें हैं। गेट क्लूज, यूज द हेल्प सेल एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू नो देम। जिन नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं उनकी हेल्प से आप ब्लैंक जगह है उनको फिल करिए। तो आगे हमारा पहला है, द खाली जगह इन कर्नाटका इज टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया। तो खाली जगह में क्या आएगा यहाँ पे, स्टैचू कर्नाटका में कौन सा है, गोमातेश्वर। आगे है सेकेंड नंबर पे, इन पटना बिहार इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। तो कौन सा है ये लॉन्गेस्ट रिवर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है खाली जगह, इज इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट सी लिंक ब्रिज। सी लिंक इंडिया का फर्स्ट ब्रिज सबसे बड़ा कौन सा है, राजीव गांधी सी लिंक। यहाँ मैंने लिख दिया है राजीव गांधी सी लिंक। नेक्स्ट है फोर नंबर पे, द खाली जगह इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इट इज़ अबाउट 2525 किलोमीटर लॉन्ग। यानी कि तो जो सबसे बड़ी इंडिया में, भारत में हमारी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो है गंगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है गंगा। नेक्स्ट है खाली जगह, इन पंजाब इज द टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया। पंजाब में इंडिया के पंजाब में सबसे टॉलेस्ट मीनार कौन सी है, तो मीनार है फतेह बुर्ज। मैंने यहाँ लिख दिया है फतेह बुर्ज। नेक्स्ट है खाली जगह है, उत्तर प्रदेश इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ है, उत्तर प्रदेश में किस जगह है, गोरखपुर। तो यहाँ मैंने लिख दिया गोरखपुर। नेक्स्ट है, इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट है। नेक्स्ट है खाली जगह, इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, यानी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इंडिया में, वो है राजस्थान। तो यहाँ मैंने लिख दिया है राजस्थान। नेक्स्ट है खाली जगह, इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, यानी कि सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन इंडिया में कौन सा है, ये है कंचनजंगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया कंचनजंगा। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पूरा ये नोटेबल्स इन इंडिया के बारे में जाना। तो आप इसको फेयरली नोटबुक पे नोट करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए।